नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह ठाकुर और मैं आज फिर आपके सामने लाया हूँ एक नया वीडियो। जैसा कि कुछ नई मशीनें हम आपके लिए हमेशा लाते हैं, तो वही दौर में मैं आपको एक नई मशीन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो सामने मशीन रखी हुई है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है। पहले भी कई वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है, कई सारी कंपनियाँ इस तरीके के रीपर इम्पोर्ट करती हैं, पर हम ये मशीन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसका गेयर बॉक्स, इसके सारा रीपर, कटर बार, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इंडिया में डेवलप की हैं और हम लोग यहीं पर बना रहे हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है, किसान भाई हमसे कहते भी हैं कि यार हम रीपर ले लेंगे, कटाई कर लेंगे, उसके बाद में हम इसका क्या यूज़ करेंगे, कोई यूज़ नहीं है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस इस पर होने चाहिए कि ये मशीन बाद में भी किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल आ सके। तो ये देखिए, यहाँ पर तो एक कम्प्लीट मशीन रखी हुई है, उसके बाजू से एक और मशीन रखी हुई है। इस पर क्या अटैचमेंट हमने लगाया है, क्या अपडेट हमने किया है, वो जानकारी सारी हम आपको देंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। छोटा सा वीडियो होने वाला है, 5-7 मिनट का होगा, आप ज़रूर देखें, बहुत ही रोचक और इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी है। तो हम चलते हैं अभी इस मशीन पर। ये मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है, उसके बारे में पूरी बात आपको बताऊँगा। देखिए, कई बार क्या होता है, रीपर से कटिंग करने के बाद में आपका जो रीपर है वो पूरा आपके पास खाली है, कोई काम उसमें है नहीं। तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने इसमें पीछे कल्टीवेटर नुमा वीडर लगाया है, जिसको कुरपा भी कहते हैं। आप सोयाबीन, कपास, मूंगफली या कुछ भी इस तरीके की फसल है जिसमें अगर निंदाई गुड़ाई करना चाहते हैं तो आप इस कुरपे से कर सकते हैं। आप आगे का रीपर निकाल देंगे, रीपर निकालने के बाद में ये अटैचमेंट आपको अलग से परचेज करना होगा। आप मशीन के साथ परचेज कर सकते हैं, अगर आपने पहले से हमारी मशीन ली हुई है तो आप अभी भी परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर 3 टाइम्स का कुरपा हमने दिया हुआ है। आप ये देखेंगे, यहाँ पर 3 टाइम्स दी हुई है, पूरे में 3 टाइम्स देने के साथ साथ में ये पूरा, ये जो होल दिख रहे हैं आपको, इसमें 2-2 इंच पर पूरी टाइम से एडजस्टेबल होती है। मतलब आप अपनी फसल के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरे हिच के द्वारा मशीन के पीछे की तरफ में लग जाता है। तो जैसे भी निंदाई गुड़ाई का काम होता है, आपने हमारा रुद्रा वीडर 130 भी देखा होगा, या और भी कई तरीके के जो वीडर होते हैं आपने देखे हैं, उन्हीं के हिसाब से ये वीडिंग का काम कर सकता है। आपने देखा होगा कि हम आपको मशीन के साथ, कोई और कंपनी दे देती है, एक बैलेंस वेट लगा के देते हैं। जो कंप्लीट मशीन है उसके साथ एक बैलेंस वेट लगा के देते हैं। ये जो बैलेंस वेट लगा है, इस बैलेंस वेट को आप वहाँ देखेंगे, मशीन में कंप्लीट पीछे की तरफ में लगा हुआ होता है, वो बैलेंस वेट को आप निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद में आप यहाँ पर आगे की तरफ में लगा देंगे। यहाँ पर इस बैलेंस वेट को लगाने के लिए जो फ्रेम दिया हुआ है, वो फ्रेम हम आपको मशीन के साथ देने वाले हैं, जो अटैचमेंट है, जो वीडियर अटैचमेंट है, उसके साथ देने वाले हैं। वेट आपके पास पहले से रहेगा, तो आप उसको यहाँ पर लगा देंगे। आई थिंक मैंने सारी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपको किसी और भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे फ़ोन करके ले सकते हैं। और भी हम इस तरीके की कई मशीनें आपको दिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे। ये सब चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपके पास हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए प्रोडक्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो।